हेलो गाइस, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आशीष गौतम आपका तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता है। अब दोस्त, यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसे बैंकिंग एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं और आपके एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं। हर तरीके का सवाल होगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने वॉरियर बैच ले रखा उनके लिए बहुत ईजी रहेगा इसको क्रैक करना, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे जो उनके लिए भी टफ रहेंगे क्योंकि वो आने वाले कुछ चैप्टर्स हैं। हम लोगों ने अराउंड 15 के आसपास क्लासेस वहाँ कर लिए हैं, और भी क्लासेस जब कंप्लीट करेंगे तो उनके लिए ईजी रहने वाला है। बट यार, एक गुजारिश रहेगी, जितना आप लोग इसे शेयर कर सकते हैं अपने हैंड से प्लीज़ प्लीज़ शेयर करना स्टार्ट करिए, देन फिर हम बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। ओके गाइस, फटाफट से जरा शेयर करना स्टार्ट करिए। नंबर्स बड़े कम दिख रहे हैं, एक्चुअल में शाम का वक्त है तो बच्चों को नहीं पता तो नंबर्स कम है। यार आप लोग अगर इसे शेयर कर सकते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। फटाफट से अगर आप इसे शेयर कर पाए, फटाफट फटाफट शेयर करना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। गुड इवनिंग, 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 संजय, माधुरी, श्रुति, प्रियंका, वर्षा, संजय कुमार, अक्षिता। ओके भाई, एग्जैक्ट 8:30 पे सेशन स्टार्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को पहले एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, हार्डली एक मिनट में आपका लूंगा। एक मैं वॉरियर बैच लेकर आया हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं क्लियर कर दूँ। ऐसे बच्चे जो वॉरियर वन में एडमिशन ले चुके हैं वो और लोगों को रिकमेंड करें इसके बारे में, और जो वॉरियर टू में एडमिशन लेना चाहते हैं या ऐसे बच्चे जो साइंस साइड के हैं या आर्ट साइड के या यूँ कहूँ कॉमर्स साइड के भी है ना, उनसे मैं क्लियरली कहूँगा इस बैच में एडमिशन लीजिए और अपना बैंकिंग, प्योर बैंकिंग, ईजी लेवल भी रहेगा, मॉडरेट भी रहेगा, हाई लेवल भी रहेगा, तीनों लेवल डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। आपकी ही लाइफ के एग्जाम्पल होंगे और अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से जब आप समझेंगे तो ईजी रहेगा सारी चीज़ों को करना, क्योंकि एग्जाम में अभी रिसेंट में जब क्वेश्चन आए थे तो बहुत बच्चे एग्जाम में उन क्वेश्चन को नहीं क्लियर कर पाए थे। रीजन था कि उनको बैंकिंग के बारे में फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस या यूँ कहें इकोनॉमिक्स का वो पोर्शन जो कि मैक्रो पोर्शन होता है उसके बारे में उनको कुछ भी आइडिया नहीं था। तो स्पेशली रिकमेंड करूंगा इस बैच में एडमिशन लीजिए वॉरियर 2.0 में। करना क्या है आपको, अड्डा 247 एप्लीकेशन पे जाना है, लाइव क्लासेस में जाना है, वॉरियर 2.0 बैच को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट व्यू ऑफर में जाना है। व्यू ऑफर में वहां पर आपको मैक्सिमम 50% के कोड लगे हैं, बट इस कोड को लगाना Y168 को, तो आपको यहां पर 57% का डिस्काउंट मिलेगा। और यहां पर एक कंडीशन मैंडेटरी है कि आपने अगर ऐप अपडेट नहीं किया है तो आपको प्ले स्टोर से जाकर पहले ऐप को अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप 52% ही डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे। यहाँ लाइव क्लास मिस करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, इवन यहाँ पर पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं। बैच स्टार्ट हो रहा है 13th of June से, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक बार विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले सवाल सुनेगा, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डिसाइडिंग द की इंडिकेटर्स इन बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। सिंपल शब्दों में बात करें तो एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी है। जैसे कि पहले जितनी भी पावर्स हुआ करती थी वो सेंट्रल बैंक के गवर्नर के पास थी, वही रेट डिसाइड करते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक कमेटी बनाई गई जिसमें कहा गया कि तीन जो पर्सन रहेंगे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रहेंगे और जो तीन पर्सन रहेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहेंगे। क्लियर है? अब ये तीन पर्सन यहाँ पर कुल मिलाकर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो मेंबर होते हैं वो यहाँ पर 6 होते हैं। ये एग्जाम का सवाल बन चुका है, आपको याद रखना है कि एमपीसी की फुल फॉर्म मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, पॉइंट नंबर 1। यहां तो कंटेंट आपको इंग्लिश में दिख रहा है, वॉरियर बैच में इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। एमपीसी में कुल मिलाकर 6 मेंबर होते हैं, 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं। जो 3 आरबीआई के हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास, माइकल डी पात्रा और एक है जनक राज। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनका नाम है पामी दुआ, चेतन घाटे और रविंद्र एच ढोलकिया। ये नाम आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट सवाल, CRR इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ RBI एक्ट 1934। ओहो, RBI एक्ट 1934 के किस सेक्शन में, RBI एक्ट 1934 के किस सेक्शन में CRR डिफाइंड है? सबसे पहले तो CRR है क्या सर? इट इज कैश रिजर्व रेशियो। जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको अपनी NDTL का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का, एक 4, वैसे तो पहले 4% था, अब इसे रिड्यूस करके 3% ले आए हैं। इसका 3% RBI के पास एज अ रिजर्व रखना पड़ता है, एज अ रिजर्व रखना पड़ता है। इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। इवन जो अमाउंट CRR के तौर पर RBI के पास रखा जाता है उन पर बैंक्स को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। और ये जो मेंटेन होता है कैश फॉर्म में मेंटेन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो CRR होता है RBI के पास किस फॉर्म में मेंटेन होता है? कैश फॉर्म में। बट इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि RBI एक्ट 1934 के किस सेक्शन में से डिफाइन किया गया है? सेक्शन नंबर 42 सबसेक्शन 1। ओके, बहुत बढ़िया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर बनेगा। क्लियर है?
अगला सवाल सुनिएगा, विद रिगार्ड टू पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, अभी ये रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन बना था, एब्रीवेशन पूछी जाती है, एब्रीवेशन में पूछ लेगा व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ मनी, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ मनी, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, ऐसे लोग जो कि विजुअली इम्पार्ड हैं उनके लिए स्पेशली इस एप्लीकेशन को बनाया गया है। इसे डैफोडिल प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है और इस एप्लीकेशन का यूज ये है कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से ये लोग डिनोमिनेशन फाइंड आउट कर पाएंगे नोट का, कि अगर एक नोट है तो वो कितने मूल्य वर्ग तक का है, या 200 का है कि 50 का है कि 10 का है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ये जो एप्लीकेशन है मनी एप्लीकेशन, मनी एप्लीकेशन, ये आपकी ऑफलाइन चलती है, मतलब आप इसे एक बार प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ये आपकी ऑफलाइन मोड में भी काम करेगी। अब उठता है सवाल, जैसे मनी की अभी रिसेंट में पूछी गई और AEPS की भी पूछी गई थी, तो AEPS की फुल फॉर्म क्या है? आंसर बनेगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा नहीं हूं दोस्त, ये जितने भी, ये सारे के सारे हम लोग डिटेल में कर रहे हैं कहां पर, इस वॉरियर 2.0 बैच में, इस वॉरियर 2.0 बैच में। तो मैं प्लीज आप लोगों को, ये ऑप्शनल नहीं है, इट इज मैंडेटरी, आप लोगों को अगर एग्जाम क्रैक करना है और बैंकिंग का एग्जाम क्रैक करना है तो यूट्यूब पर आप कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, आपको सारी बैंकिंग क्लासेस अवेलेबल नहीं होंगी, पूरी की पूरी सीरीज आपको यहीं पर ही अवेलेबल होगी, मतलब आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। आप अगर कहीं बुक से भी पढ़ते हैं तो बुक भी अपडेटेड नहीं है, अभी रिसेंटली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए गाइडलाइंस चेंज हुई, क्या वो बुक में आ गई? नहीं आई होंगी, क्या ऑथेंटिक होंगी, क्या पता वो मिसप्रिंट हो, इवन बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लोग यहां पर एक एक चीज को अपडेटेड तरीके से पढ़ रहे हैं। तो ये मैंडेटरी है, जितने बच्चे भी अभी तक ये सोच रहे कि नहीं लेंगे हम लोग एडमिशन तो फिर वो गलत फहमी में रहेंगे, फिर मैं कहूंगा इंतला कर रहा हूँ मेरे भाई, गलती से भी गलती मत करना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बड़ा टफ रहने वाला है, ऐसे में एक एक वैकेंसी और एक एक नंबर की कीमत होगी, और बैंकिंग के ऐसे क्वेश्चन जो 5 से 10 नंबर बनाएंगे आपके, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस, व्हाट इज अ मिनिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ प्रमोटर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस टू सेटअप स्मॉल फाइनेंस बैंक। मैंने आप लोगों को आज ही सुबह के सेशन में पढ़ाया था स्मॉल फाइनेंस बैंक, कल भी पढ़ाया था। स्मॉल फाइनेंस बैंक है क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए RBI का लाया गया एक नया कॉन्सेप्ट है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्लियरली बोल रखा है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ओपन करने के लिए 200 करोड़ रुपए है, और जो भी इसे ओपन करना चाहते हैं, अकाउंट की बात नहीं है यहां पर, यहां पर है बैंक ओपन करने की बात। अकाउंट ओपन करने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आपको यहां पर एक्सपीरियंस 10 साल का चाहिए, अगर आपको बैंक का लाइसेंस चाहिए। अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक कोई ओपन करना चाहता है तो उसको कम से कम बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में यहां पर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो रहेगी 200 करोड़ रुपए रहेगी स्मॉल फाइनेंस बैंक को ओपन करने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का सवाल बन सकता है यहां से। नेक्स्ट, जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग SPMCIL, आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पर कितनी प्रिंटिंग प्रेस है? कुल मिलाकर 4 प्रिंटिंग प्रेस है, इसमें से 2 प्रिंटिंग प्रेस तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है और 2 प्रिंटिंग प्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। जो RBI की प्रिंटिंग प्रेस है उसमें नाम आता है मैसूर का और सालबोनी का, मैसूर और सालबोनी, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रिंटिंग प्रेस है इसमें नाम आता है देवास और नासिक का। ये लास्ट ईयर एग्जाम का क्वेश्चन बना था कि RBI की प्रिंटिंग प्रेस कौन सी है, RBI की प्रिंटिंग प्रेस कितनी है, क्या 4 है? तो आंसर बनता है नो, RBI की प्रिंटिंग प्रेस 2 है, 2 ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। जो RBI की है वो है मैसूर और सालबोनी, और ये जो मैसूर और सालबोनी है ये जिस कंपनी के अंतर्गत आती है उसका नाम है BRBNMPL, BRBNMPL भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम आपको याद रखना है। अब यहां पर दोस्त जो देवास और नासिक हैं ये आपकी किसके अंतर्गत आती है? SPMCIL के अंतर्गत, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत, और इसी SPMCIL की जो स्थापना हुई थी, इट वॉज स्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1996, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। गाइज इतना क्लियर है? 1996, यार एक मिनट जरा मैं देख लूं, इसका 2006 था शायद, SPMCIL, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ऑप्शन गलत लगाओ, 2006 सीधा यहाँ पर आंसर गलत दिखा, ये 4 नंबर नहीं 5 नंबर होगा, ठीक है, इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा? 5 नंबर होगा, इसे देख लेना। 2006 में इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ द 2006, क्लियरली मैंशन है, इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर, द कंपनी वॉज फाउंड इन 2006 एज अ रिजल्ट ऑफ द, क्लियर गाइज, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में, तो यहाँ पर आंसर करेक्ट कर लेना इसका, ठीक है, आंसर करेक्ट करना है, 2006 में स्थापना हुई थी, 5 नंबर इसका आंसर बनेगा, ठीक है मेरे भाई, इतना क्लियर होना चाहिए सभी के। यहां तक क्लियर है तो एक बार लाइक बटन पे प्रेस कर दो यार फटाफट से, इतना क्लियर है तो एक बार लाइक बटन पे अपने डाउट जितने भी हो ना वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख देना, जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उस वाले उसके बाद लिखना, ठीक है, वो वाले कमेंट फिर स्टोर रहते हैं,
नेक्स्ट यार, व्हेन वाज द फर्स्ट आरआरबी सेटअप, पहला जो रीजनल रूरल बैंक था ये कब सेटअप किया गया था? तो यार ये सेटअप हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1976 को, 2 अक्टूबर 1976 को जो पहला आरआरबी की स्थापना की गई थी। एंड फर्स्ट आरआरबी वाज द प्रथमा बैंक, प्रथमा बैंक वाज द फर्स्ट आरआरबी इन इंडिया। भाई फर्स्ट आरआरबी इन इंडिया कौन सा था? प्रथमा बैंक वाज द फर्स्ट आरआरबी इन इंडिया। मेरा सवाल ये है कि रीजनल रूरल बैंक के लिए, रीजनल रूरल बैंक के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है वो कितना है? जैसे कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के लिए है 40%, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कितना है 40%, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए कितना है यहाँ पर 75%, सॉरी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आपका 75% है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75%, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए 75%, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक, इन सभी के लिए 40%। बट आरआरबी के लिए पीएसएल टारगेट कितना है दोस्त? अरे यार आज दोनों ही क्वेश्चन के आंसर गड़बड़ लगे, सॉरी यार दोस्त, इसका नंबर भी 4 होगा। ठीक है, 1976 में तो एक्ट आया था, अपना आंसर बनेगा 1975, माफ करना यहां पर दोनों के आंसर ये करेक्ट कर लो, इसका 2006 है, मैं दोनों यहां पे पीडीएफ में चेंज कर दूंगा और यहां पर आंसर बनेगा 1975। 1975 में आरआरबी की स्थापना हुई थी। इस वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, इस वाले पॉइंट पे जरा आ जाओ, आरआरबी की बात करते हैं, रीजनल रूरल बैंक, इसके लिए पीएसएल टारगेट कितना है? सर इसके लिए पीएसएल टारगेट है 75%। ये कुछ पॉइंट है जो एग्जाम का पार्ट बनते हैं, तो इन पर फोकस करके चलना है आपको, जैसे कि आरआरबी हुआ, जैसे कि आपका शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हुआ, आरआरबी हुआ, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हुआ और स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ। तो जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है ना, इनके लिए पीएसएल टारगेट 40% है और आरआरबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75% है। इट इज गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। इतना क्लियर है सभी के? नेक्स्ट देखना, व्हाट परसेंट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट फॉर आरआरबी इज मैंडेटेड टू माइक्रो एंटरप्राइज। आप लोगों को पता है ना, कुल मिलाकर 8 प्रायोरिटी सेक्टर हैं, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट, फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर एंड अदर्स। तो इन 8 सेक्टर में कुल मिलाकर 75% देना है, बट इसमें से भी बोला गया माइक्रो के लिए स्पेशली कितना है, माइक्रो के लिए कितना है, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए कितना है, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए कितना है? ओके, वॉरियर देखो 2.0 वैसे तो 6 मंथ का होता है बैच, लेकिन अगर आप लोग अभी परचेज करते तो आपको 2 मंथ का एक्सटेंशन और दिया जा रहा है। आप देखना वहां पर जो वैलिडिटी मिलेगी आपको 8 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, 2 मंथ का एक्सटेंशन के साथ ये बैच लॉन्च किया गया है। ओके, मतलब 8 मंथ की वैलिडिटी है कोर्स, तो आपका ये हार्डली ये मानकर चलिए 30 क्लासेस में कंप्लीट होगा, और वीक में अगर मेरी 3 क्लासेस रहेंगी तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कुल मिलाकर वीक में 3 क्लासेस रहेंगी। आप लोग मान चलिए कि एक वीक, मतलब कि आप लोग मानकर चलिए मेरे भाई मैं से 2 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, 2 महीने में हम लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम बता रहा 2 महीने, तो और पहले ही अपना कोर्स कंप्लीट होगा एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ। ओके, चलिए दोस्तों अपना आंसर बनता है यहां पर 7.5%। नेक्स्ट देखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज रीनेम्ड इन 1955 एज वॉट, मतलब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को रीनेम किया गया था किस बैंक के रूप में? आप लोगों को पता है 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, इन्हीं तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ था और इट इज रीनेम्ड एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1955। 1955 में इसी को रीनेम करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 5, यहां पर सही है मेरे भाई, 5 आंसर सही है यहां पर। ठीक है, ये तो 20 भाई, जो ये अपनी क्लास नहीं है 20 टर्म्स वाली, वो कंप्लीट रहेगी, वो परेशान मत होइए। इतना क्लियर है सभी के? नेक्स्ट देखना, आरएफआईडी, एग्जाम का सवाल बना था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएफआईडी। ठीक है, आरएफआईडी फास्टैग जो यूज किया जा रहा है टोल पर, भैया ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते, तो उसमें जो ये टेक्नोलॉजी यूज किया थी आरएफआईडी, आरएफआईडी की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएफआईडी, फटाफट से बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएफआईडी। ओके,
ऑप्शन नंबर वन के साथ जा रहा है, कोई फोर के साथ जा रहा है। ऑप्शन नंबर वन अपना राइट आंसर बनेगा यहाँ पर, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट, विच मेथड कैन बी यूज टू मेजर द नेशनल इनकम। अभी मैंने वॉरियर वन में नेशनल इनकम पढ़ाया नहीं है, जब मैं नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि नेशनल इनकम से जब कभी भी आप तीनों मेथड से अगर इनकम कैलकुलेट करते हैं तो जो आता है वो हमेशा सेम आता है। तीनों मेथड से कैलकुलेट किया जाता है तो इनकम आपका सेम निकल कर आता है, बट मेथड कौन कौन से हैं? एक है मेरे भाई प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, एक है यहाँ पर इनकम मेथड और एक है एक्सपेंडिचर मेथड। एग्जाम में तीनों ही ये पूछे जा सकते हैं, तो अपने को याद रखना ऑल ऑफ दी अबव। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय की गणना की तीन विधियां हैं और तीनों विधियों के नाम आपको याद रखने हैं। एक प्रोडक्शन मेथड है, दूसरा आय विधि है, तीसरा यहाँ पर व्यय विधि है, और आई थिंक प्रोडक्शन प्रोडक्ट मेथड को आप अगर बोलते तो ये उत्पादन विधि। आप लोग इंग्लिश में याद रखें प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज करंट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। एट प्रेजेंट बात करते हैं तो यार आप लोगों को पता है कि अभी रेपो रेट को फिर दोबारा रिड्यूस किया गया था, तो अभी एट प्रेजेंट एमएसएफ कितना चल रहा है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितना चल रहा है। पॉलिसी रेपो रेट की बात करते हैं तो पॉलिसी रेपो रेट एट प्रेजेंट कितना है? सर पॉलिसी रेपो रेट एट प्रेजेंट यहां पर चल रहा है 4%, ठीक है। जो यार यहां पर गड़बड़ आ गया, ये जो देखो जो पॉलिसी रेपो रेट है, पॉलिसी रेपो रेट है, वो पॉलिसी रेपो रेट कितना है? सर पॉलिसी रेपो रेट अभी 8% चल रहा है, 4%, ठीक है। और बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इक्वल रहता है, इट इज 4.25%। तो मेरा आंसर जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, ये ब्रैकेट आ गया यहाँ पर पॉइंट की जगह, तो 4.25% आएगा, ठीक है, 4.25% आएगा। तो 4.25% अपना चल रहा है यहाँ पर बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और पहले से पॉलिसी रेपो रेट 4% है, CRR इट इज 3% एंड SLR की बात करते गाइस, इट इज 18%। अपार्ट फ्रॉम आपको रिवर्स रेपो रेट और याद रखना, इट इज नाउ 3.35%। रिवर्स रेपो रेट को घटाकर भी 3.35% पर ले आए हैं, इतना क्लियर है। सर इवनिंग में आपकी क्लास, ये इवनिंग में क्लास लगी हुई है, वैसे इवनिंग में क्लास मेरी होती है नहीं है, ठीक है, सिर्फ आज के लिए। नेक्स्ट, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था, इसे रिवाइज किया गया था 2006 में, बट सवाल ये है कि ये इंट्रोड्यूस कब हुई थी। इवन यार गाइस बैंकिंग ओम्बड्समैन है किसके लिए? बैंकिंग ओम्बड्समैन मतलब लोकपाल। आप लोग बैंक गए और बैंक ने जो सर्विसेज दी आप उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, देन फिर क्या करेंगे? आप लोगों के पास आपका पैसा कट गया अकाउंट से, आप लोग बैंक के पास गए, अरे भाई मेरा पैसा कट गया, मेरा पैसा वापस, तो बैंक ने कहा यार हमारा कोई फॉल्ट नहीं, आप क्या करेंगे? देन यू कैन अप्रोच टू दी बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंकिंग लोकपाल से अप्रोच कर सकते हैं। और ये जो बैंकिंग लोकपाल है ना, इसको 2006 में रिवाइज किया गया था। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था वो मुझे आप बता सकते हैं? कब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था? दीपाक्षी शर्मा 1999, वॉरियर ले लो, बड़ी गड़बड़ कर रही हो, ठीक है। साइलेंट लर्नर 1993, ओहो कोई 2001 भी बोल रहा है यहाँ पर, कोई 2001 भी बोल रहा है, ओके। राकेश अक्षिता, भानु प्रताप शर्मा चेयरमैन, ओके सर प्लीज अवेलेबल रहिए ना बैंकिंग की वॉरियर प्लस में, PDF अवेलेबल। रजत पंडित सुबह तक देखिएगा, तीनों क्लासेस की आपको PDF मिल जाएगी, ओके सर PDF अवेलेबल, ओके। 1995, अच्छा ये जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है मैक्सिमम कंपनसेशन कितना देता है? मैक्सिमम कंपनसेशन 20 लाख रुपीज का देता है, एडिशनल 1 लाख रुपीज का और देता है मेंटल एगोनी और हैरेसमेंट के केस में, ठीक है। हैरेसमेंट के केस में एडिशनल 1 लाख रुपीज का कंपनसेशन और यहाँ पर दिया जाता है। वैसे मैक्सिमम कंपनसेशन तो 20 लाख है, अगर एग्जाम में 25 लाख टिक करके आना है और शब्द लिखा है कि एडिशनल कंपनसेशन कितना रहता है हैरेसमेंट के केस में, तो आपको टिक करके आना पड़ेगा 1 लाख रुपए का, ये और आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया, ओके। लाइव क्लासेस मेरी सुबह 7 बजे रहती हैं, सुबह 7 बजे और 12 बजे, ठीक है, सुबह 7 बजे और 12 बजे मेरी लाइव क्लास रहती है। नेक्स्ट दोस्त, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था? KCC, आप लोगों को पता है बजट में अभी एक अनाउंसमेंट हुआ था कि जो भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, जितने भी कह सकते हैं यहाँ पर पीएम किसान योजना में जिन्होंने लाभ या क्यों कह सकते हैं इनरोल कराया है, उन सभी को केसीसी में इनरोल, मतलब केसीसी का यहाँ पर लाभ दिया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को। तो यहाँ पर सवाल उठता है केसीसी स्कीम को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? केसीसी स्टैंड फॉर किसान क्रेडिट कार्ड। वॉरियर बैच में मैंने 2 क्लासेस ऐसे रखे हैं जिसमें कि मैं गवर्नमेंट स्कीम पढ़ा रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कीम 2 क्लासेस मतलब हो गए 2-2 घंटे की, 4 घंटे की क्लास होंगी। 4 घंटे सिर्फ हम लोग गवर्नमेंट स्कीम पर डिस्कशन करेंगे जिसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसे पीएम व्यय वंदना योजना में मॉडिफाई किया गया है, अब वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो गई है ये योजना, ठीक है। एक इवन बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, तो ठीक है मेरे दोस्तों। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की बात करें, इन 1990
1998 में से इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये एग्जाम का सवाल बन चुका है, ये एग्जाम का सवाल बन चुका है। ओके नेक्स्ट यार, द बैंक नोट डिनोमिनेशन रिसेंटली इंट्रोड्यूस बियरिंग द मोटिव ऑफ सांची स्तूप। अच्छा देखो, आप लोगों को पता अभी मार्केट में कौन कौन से नोट है, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट है, फिर 2000 का भी नोट है सर, 500 का भी नोट है। अब सवाल उठता है हर नोट के पीछे कुछ ना कुछ छपा हुआ है, जैसे 2000 के नोट के पीछे कुछ छपा हुआ है, 500 के नोट के पीछे कुछ है, 100 के नीचे, 50 के, 20 और 10, किस नोट के पीछे सांची स्तूप बना हुआ है, किस नोट के पीछे सांची स्तूप बना हुआ है, किस नोट के पीछे सांची स्तूप बना हुआ है, फटाफट से बताइए किस नोट के पीछे सांची स्तूप बना हुआ है। हाँ, प्रधानमंत्री वे वंदना योजना को 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है और ये 2023 मार्च 31 2023 तक इसमें अभी मतलब लोग खरीद सकते हैं, मार्च 31 2020 तक ये बिक रहा था, अभी ये इसमें इनरोल करा सकते हैं 2023 तक। ओके 200, देखो अब यहाँ पर आंसर 50 की तरफ भी जा रहे हैं, कोई 100 भी बोल रहा है, कोई 50 भी बोल रहा है, कोई 200 भी बोल रहा है, लेकिन मेजोरिटी में जो आंसर आ रहा है वो 200 आ रहा है। तो 200 के नोट के पीछे, यहाँ ये पूरा मैंने डिनोमिनेशन इस वॉरियर बैच में पढ़ाया है कि कौन से नोट के पीछे क्या छपा होता है, किस नोट का डिनोमिनेशन कितना है, बैंक ऑफ बड़ौदा में डिनोमिनेशन पूछा गया था कि नोट है उसका आकार कितना है, नोट का आकार कितना है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा ये पूछ लेते हैं यहाँ पर कलर क्या है, ठीक है, जैसे 100 के नोट का कलर क्या है, 100 के नोट का कलर क्या है, लेवेंडर, लेवेंडर ना, याद है मेरे भाई आपको, नहीं आया तो अगर याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे दोस्त, कॉमर्शियल पेपर की बात करते हैं। आप लोगों को पता फाइनेंशियल मार्केट के दो सेगमेंट होते हैं, एक मनी मार्केट और एक यहाँ पर कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आते हैं तो आप लोगों के लिए कैश मैनेजमेंट बिल आता है यहाँ पर, इसके अलावा कॉल मनी रहता है, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, देन फिर गाइज इसके अलावा हम लोग बढ़ते हैं तो ट्रेजरी बिल आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आ गया, इसके अलावा भी बहुत सारा पार्ट है कॉमर्शियल पेपर। जो ये कॉमर्शियल पेपर होते हैं इट इज बेसिकली इशूड बाई दी कॉरपोरेट, कॉरपोरेट इसे इशू करते हैं और जो कॉरपोरेट जब इसे इशू करते हैं तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन होता है कि इस पर आपको हायर रिटर्न मिलेगा, क्लियरली मेंशन है यहाँ पर, जैसे अदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे ज़्यादा आपको हायर रिटर्न मिलता है अगर आप जैसे ट्रेजरी बिल और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से कंपैरिजन करते हैं। जो ये कॉमर्शियल पेपर होता है ना इसकी मिनिमम मैच्योरिटी होती है 7 डेज की और मैक्सिमम जो टाइम पीरियड रहता है 364 डेज का रहता है, बट इसका जो अमाउंट रहता है ना कितने के डिनोमिनेशन में से इशू किया जाता है तो इट इज़ 5 लाख, 5 लाख का डिनोमिनेशन रहता है, 5 लाख का, ठीक है। 1 लाख का किसका होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का, सीडी का डिनोमिनेशन 1 लाख का है, 5 लाख का कॉमर्शियल पेपर का है और 25,000 का, 25,000 का रहता है ट्रेजरी बिल का, ट्रेजरी बिल का, ये भी आपको याद रखना है गाइस। अपराजिता सिन्हा, हाँ माना, लेकिन दोस्त उसमें आपको 2 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, और बच्चों के लिए वैलिडिटी जितनी थी उससे एक्सटेंशन 2 महीने का एक्स्ट्रा दिया गया, अगर और बच्चों को 6 महीने का टाइम वैलिड किया गया था तो अब आपके लिए 8 महीने हैं, तो और अगर आप देखें तो आप फायदे में ही हैं। ओके क्लियर है गाइज। नेक्स्ट यार, नेक्स्ट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसे कौन मेंटेन करता है, ये एग्जाम का सवाल बना था, पूछा गया था RIDF की फुल फॉर्म क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। सवाल उठता है कि ये जो RIDF है ये किसके पास मेंटेन किया जाता है, गाइस इट इज मेंटेन्ड विद द नाबार्ड, ये नाबार्ड के पास मेंटेन किया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट होता है उस केस में यदि इंडियन बैंक अपना टारगेट अचीव नहीं करते हैं तो एज अ पेनल्टी जो अमाउंट होता है ना वो नाबार्ड के पास जाता है, इंडियन बैंक्स को डिपॉजिट करना पड़ता है, और वो किस में रखता है, किस फंड में रखता है, RIDF में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में, ये भी आपको याद रखना है, क्लियर है। ओके हाँ, कृष्णा मीना पूरा का पूरा वो भी रहेगा, ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट यार, आंसर यहां पर बनेगा नाबार्ड। नेक्स्ट MMID, आप लोगों को पता है जैसे कि अगर आपको NEFT नेफ्ट करना है, ठीक है, NEFT हो गया या RTGS करना है तो यहां पर जो कोड यूज होता है इट इज IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बट आपको अगर IMPS करना है तो यहां पर कोड यूज होता है MMID, ठीक है, MMID, और जो IFSC कोड है इट इज 11 डिजिट कोड, और जो MMID इट इज 7 डिजिट कोड। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये अभी रिसेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, रिसेंट में पूछा गया था ये वाला। इसकी फुल फॉर्म है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ठीक है, इसे याद रखना, क्लियर गाइस, ये वाला मोबाइल मनी आइडेंटिफायर 7 डिजिट का ये कोड होता है, 7 डिजिट का कोड होता है।
नेक्स्ट है, बैंकिंग ओम्बड्समैन इज अपॉइंटेड बाय हुम, बैंकिंग ओम्बड्समैन को अपॉइंट कौन करता है, ये भी एग्जाम का सवाल बना था, आरबीआई। जितने भी मैं आपके लिए आज क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ना, ये सारे हमारे वॉरियर बैच पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, वॉरियर बैच में जो थ्योरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी पर डिपेंडेंट है, आप लोग इजिली हिट करते, देखना मैक्सिमम बच्चे हिट भी कर पा रहे होंगे यहाँ पर, मैक्सिमम बच्चे हिट भी कर पा रहे होंगे क्वेश्चन, और इसमें याद रखना बैंकिंग ओम्बड्समैन को अपॉइंट कौन करता है, इट इज अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट गाइज, अगला सवाल, वॉट इज अ फुल फॉर्म ऑफ कैपिटल, ओके कैपिटल इन सी ए आर, सी ए आर की फुल फॉर्म क्या है, सी ए आर या सी आर ए आर, एक ही चीज के दो नाम है, सी ए आर या सी आर ए आर, शैलजा चौहान किसी और का तो होगा, उनको कैश दे दो वो अपने अकाउंट से पे कर देंगे। देखो अनोज यादव, मेरा जो सेशन होता है सुबह 7 बजे होता है और 12 बजे होता है, 12 बजे जो मेरी क्लास होती है वो 3 दिन चलती है, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, ठीक है ओके। इट इज अपॉइंटेड बाय द, अच्छा सी आर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, यू कहें कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो, आप लोगों को पता ना बेसिल जो नॉर्म्स हैं, बेसिल नॉर्म्स हैं ठीक है, बेसिल नॉर्म्स, इसकी लास्ट डेट थी मार्च 31, 2020, ठीक है, अब इसको एक्सटेंड करके कर दिया कि सितंबर 30, 2020, क्या पता है आप लोगों को, जिन्होंने वॉरियर में एडमिशन लिया उनको सबको पता है ठीक है, क्योंकि वो वॉरियर बन चुके हैं, तो मैं इतना बोलूंगा मेरे भाई ये अपना बेसिल नॉर्म्स का टॉपिक है, ये भी मैंने इस वाले पूरे के पूरी क्लास में कवर किया है। नेक्स्ट दोस्त, नेक्स्ट गिल्ट एज मार्केट क्या है, ये अभी क्या ना कैपिटल मार्केट नहीं पढ़ा है तो कैपिटल मार्केट में पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर दो चीजें, एक कॉर्पोरेट मार्केट होता है, एक गिल्ट एज मार्केट होता है। गिल्ट एज मार्केट मतलब सिर्फ एक लाइन में याद रखना है, जितना आपके एग्जाम में जिस लेवल तक का आता है, कि जो गिल्ट एज मार्केट होता है ना, इट इज अ मार्केट वेयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पर कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, किसकी दोस्त, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, इट इज कॉल्ड द गिल्ट एज मार्केट, एग्जाम का क्वेश्चन था ठीक है, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जहां पर सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन होता है ना लॉन्ग टर्म, अगर देखो अब यहीं पर शब्द है क्या सर, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, अगर शॉर्ट टर्म की बात होगी तो भाई मनी मार्केट चले गए आप लोग, बट अगर लॉन्ग टर्म की बात होगी जहां पर मोर देन वन ईयर, इट इज कॉल्ड मेरे भाई कि या आपका लॉन्ग टर्म वाली जो रहेंगी वो आपकी कहां पर होंगी, गवर्नमेंट मतलब गिल्ट एज मार्केट में, मतलब एक तरीके से बोले कैपिटल मार्केट में भी, एक और इसको फर्दर बायफर्केट करते हैं हम लोग गिल्ट एज मार्केट या कॉर्पोरेट मार्केट में, तो गिल्ट एज मार्केट वो मार्केट होते हैं जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जिनकी समय सीमा 1 वर्ष से अधिक की होती है। गाइस इतना क्लियर है सभी के कि नहीं है, आकांक्षा कुमारी क्लास 700 या 800 रुपए की पढ़ रही है मैम, कितना कम करवाएंगे, आप लोग पैसे को लेकर इतना सोचते हो, ये भी तो देखो आप लोगों को क्या क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है उस पर भी तो देखिए आप कितना चाह रहे हैं बताइए, कोड लगाइए मेरा Y168, आपको 57% का डिस्काउंट मिलेगा, आप एक बार उस बैच के बारे में पूछिए तो सही बच्चों से, आपको पता चलेगा कि आपका पैसा वो बैच कम से कम बहुत महंगा होना चाहिए, एक बार आप लोग देखें, उसके बाद भी हम लोग मैं आपको वो 800 के आसपास का बैच पढ़ रहा है और सस्ते ही पढ़ रहा है आपको। आज 12 बजे क्लास नहीं हुई थी, 12 बजे वाला सेशन है जो मैंने शाम को रखा है ओके गाइज, ये रहा ओवरऑल ये पूरा का पूरा सेशन, तो अब मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करूंगा, जितने बच्चे इस वॉरियर 2.0 बैच में इनरोल कराने के इच्छुक हैं भाई प्लीज करा लीजिए, ऑप्शन मत समझिएगा इसे, इट मस्ट बी मैंडेटरी फॉर ऑल, और होना क्या चाहिए, इट इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है मेरे भाई, आप लोगों को इनरोल कराना पड़ेगा, अगर आपको बैंक पीओ बनना है, इंटरव्यू लेवल तक प्रिपेयर करना है और क्लर्क में सारे के सारे बैंकिंग के क्वेश्चन हिट करने हैं, इवन मेरे भाई सच में बोलूं तो ये वॉरियर बैच आप लोगों के लिए बहुत हिट करने वाला है, और इसमें मैं आपके लिए 30 क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, 2 घंटे की क्लास होगी, मोर देन 60 आवर्स का ये सेशन रहने वाला है, लाइव क्लासेस रहेंगी, आप अपने डाउट्स पूछ पाएंगे, लाइव क्लासेस मिस करोगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होंगी, और इवन आपको क्लासेस की पीडीएफ भी अवेलेबल कराई जाएगी, क्लासेस बायलिंगुअल रहेंगी, कंटेंट इंग्लिश में भी रहेगा, कंटेंट आपका हिंदी में भी रहेगा, और जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो भाई आप लोग बच्चों से पूछ सकते हैं, मोर देन 3000 से ज़्यादा बच्चों ने वॉरियर 1 में एडमिशन लिया है, वॉरियर 2 में भी बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस साल आप लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत रंग लाए और वक्त ज़ाया ना हो, तो प्लीज़ जाइए इसमें एडमिशन लीजिए, अभी क्या है अभी आप अगर एडमिशन लेते तो 2 महीने का आपको वैलिडिटी ज़्यादा मिलेगी, अगर 6 महीने का ये बैच है तो आपको यहाँ पर जो वैलिडिटी मिलेगी वो आपको 8 मंथ की मिलेगी, समझ में आ रहा दोस्त, क्योंकि पहले ये 6 महीने का ही थे, अब इसको बढ़ा दिया गया है, आप लोग बस इतना काम कर सकते हैं,
अगर कोई और डाउट है तो आप अपना डाउट भी यहाँ पर रख सकते हैं, मैं उसको भी बता दूंगा। ओके कोई भी डाउट हो आपका, आप लोग अगर जैसे ही जाएंगे वहां पर तो आपको एक चीज पता चलेगी दोस्त, ये वहां पर मैंने एक सीआरआर और एसएलआर की वीडियो लगवा रखी है। adda247.com पे जाते तो वहां एक वीडियो लगवा रखी है, पूरा देखेंगे लाइव क्लासेस में जाके वॉरियर में, तो उससे आप समझ लिए डेमो के तौर पर। और परचेज इसे अड्डा एप्लीकेशन से करना, तभी आपको 57% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके देखो जितने भी एग्जाम है ना, अगर कोई भी अगर एक्सटेंड हो रहा है तो लास्ट 6 मंथ का ही कवर करके चलना है। महापैक में अवेलेबल है, महापैक में अवेलेबल है। सर प्लीज बताइए वॉरियर वन वॉरियर टू से अलग होगा? देखिए थोड़ा तो चीजें अलग होंगी, कंटेंट वाइज चीजें एक्सटेंड और एक्स्ट्रा दी जाएंगी, बट ऐसा ये नहीं होगा कि आप यहाँ पर कुछ रॉकेट साइंस होगा। वॉरियर वन वॉरियर टू ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। मॉर्निंग सेशन का पीडीएफ वीडियो के नीचे ही कमेंट बॉक्स में लगा हुआ होता है, उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वंशिका प्रधान बताया ना, लास्ट 6 मंथ कवर करके चलिए आप। क्लास रेगुलर रहेगी अक्षिता, ये क्लास 3 दिन चलती है, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे यूट्यूब पे। अदरवाइज मॉर्निंग में 7 बजे मैं डेली आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ, तो जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं प्लीज सुबह 7 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ने की कोशिश भी करना। हाँ तरुण हरे पूरा कंप्लीट, जो जीए का टारगेट बैच है करंट अफेयर का उसमें करूंगा। बच्चे कह रहे कि सर 25 दिन में कैसे कंप्लीट करूंगा, वो मेरी हेडेक है ना, मैं उसे कंप्लीट करूंगा, डोंट वरी मेरे भाई। ये क्लास रेगुलर रहेगी क्या? ये 3 दिन रहेगी, सुबह 12 बजे, ठीक है? अगर भाई सुष्मिता कुमार लैपटॉप से मोबाइल से आईफोन से किसी से भी एक्सेस कर सकते हैं, एक बार जो गिवन नंबर है उस पर कॉल करके और पता करिएगा इस वाले डाउट के बारे में। क्लास ओके आई एम अ बिगिनर, वॉरियर 2.0 स्टार्टिंग से होगा? बिल्कुल यार रूबी स्टार्टिंग से ही होगा। सुशांत कुमार एक बार जो गिवन नंबर है ना वहां पर 84 करके उस पर कॉल करके पता करिएगा कल। जो आपने परचेज के रिकॉर्डेड सेशन होगा 6 मंथ तक वैलिड है, 6 मंथ तक आप उसे देख सकते हैं। 6 मंथ के बाद वो आपके पैकेज में से हट जाएगा। 6 मंथ तक आप क्लासेस को एन नंबर टाइम देख सकते हैं। खुशबू भारद्वाज एक बार लॉगिन करके लॉग आउट करके लॉगिन करना सही रहेगा। हाँ यार उनके लिए दीक्षिका स्वामी सफिशियंट है, सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। बस इतना है कि जितने भी अपडेशन हो रहे हैं ना उससे रूबरू रहना आप। आशीष गौतम जीए गुरु, यार कहीं भी सर्च कर लो मिल जाऊंगा यार आशीष गौतम जीए गुरु। मुस्कान ये देखो यूट्यूब से बैच देख सकते हैं, ऐप से परचेज? मैम यूट्यूब अलग चीज है, यूट्यूब पे फ्री में कंटेंट है, आप ऐप से परचेज करेंगे तो ऐप पे तो देखेंगे सेशन को। मोबाइल पे कॉल नहीं लगता है, 84 वाले नंबर पे कॉल लगाइएगा, फिर लगाना दूसरी बार तीसरी बार लगेगा। हाँ शुभम राठौर वॉरियर बैच में फाइनेंशियल अवेयरनेस का करंट न्यूज भी कवर कराऊंगा, परेशान मत होइए। हाँ देखो वैदिक कनेक्ट आपके लिए दो चीज समझिए, करंट अफेयर सुबह 7 बजे आप देख रहे हैं मेरा सेशन, और वॉरियर बैच लेने के बाद आपका प्योर बैंकिंग कवर हो जाएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस। जितने भी बच्चे बिगनर है उनके लिए तो रामबाण है यार, जितने भी बच्चे बिगनर है उन सभी के लिए रामबाण है ये। ये क्लास कब से शुरू होगी? क्लास का देखिए टाइमिंग मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपकी क्लास 13 जून से स्टार्ट हो रही है, 13th of June से, 13 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। वेबिनार पे होंगे सेशन, तरुण हरित अब हम लोगों ने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया, अब से क्लासेस वेबिनार पे नहीं होंगे। बहुत सारी दिक्कतें आती थी कि 48 आवर्स में क्लासेस अवेलेबल होते थे, अब से हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर पे खुद के सॉफ्टवेयर पे जा रहे हैं, जिसमें आपको क्लास मतलब आज अगर क्लास हुई तो शाम तक आपको पूरी क्लासेस सब मिल जाएंगे, मतलब लाइव तो आप देख पाएंगे, रिकॉर्डेड आपको विद इन अ डे आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है? पीडीएफ तुरंत की तुरंत। जितने भी बच्चे बिगिनर हैं उन सभी के लिए तो रामबाड़ा, जिन्होंने वॉरियर बन लिया प्लीज गाइस रिकमेंड करिए और अदर्स बच्चों को भी। निखिल कुमार सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, धन्यवाद मेरे भाई, शुक्रिया। तभी तो यार 3,500 बच्चे एडमिशन लिए थे वॉरियर वन में। सर लास्ट डेट क्या है? मैं तो कहूंगा जल्दी से जल्दी इसमें एडमिशन ले लीजिए, जल्दी से जल्दी मेरे भाई। एसबीआई प्री रिजल्ट कब तक आए? उम्मीद यही है कि इस मंथ में एसबीआई प्री का रिजल्ट आ जाए।
सुशीला ऐसा कुछ नहीं है कि रॉकेट साइंस होगा, बट हाँ डिफरेंट थोड़ा तो रहेगा, कंटेंट वाइज एडिशनल हो, एडिशन हो सकता है, एड ऑन हो सकती चीज़ है, ऐसा नहीं होगा कि बहुत अलग हो, बट एड ऑन हो सकती और चीज़ें भी। रीजनिंगली चैंपियन बैच और जीत बैच है, ठीक है आप लोग देख सकते हैं। मोनोसिविल लाइफ का करंट अफेयर्स टॉनिक की तरह, आई सल्यूट यू, थैंक यू मेरे भाई। डोंट नो एनीथिंग इन बैंकिंग कितने का है बैच है। भावना सिंह, और वहाँ तो प्राइस आपको 1800 से ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन आपको ये मुश्किल से 800 के से भी कम का बैच पड़ेगा। एक कोड लगाना Y168, ऐप से परचेज करना अपडेट करने के बाद, अदरवाइज 52% ही डिस्काउंट मिलेगा। कोड जरूर लगाना व्यू ऑफर में जाके, Y168, Y168, विवेक सिंह 6 मंथ की वैलिडिटी है। अगर अभी परचेज करेंगे तो 2 महीने एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी आपको, ठीक है 8 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। मैथ्स के लिए आप लोग जा सकते हैं, शांतनु सर का अलग बैच आया है, दक्ष उसमें एडमिशन करा सकते हैं। आईबीपीएस क्लर्क के लिए कितने मंथ का करंट अफेयर? 6 मंथ का, 6 मंथ का मेरे भाई। नहीं यार, जिन्होंने 1 मैन रोल करा अभी होल्ड करिए, 2.0 की जगह वो 3.0 लीजिएगा अभी, क्योंकि पहले 1.0 तो पूरा रिवाइज कर लो। अजय मोहन, आशीष गौतम, जिए गुरु यार। चलिए ठीक है दोस्त, यहां पर ये रहा सेशन, कल सुबह मुलाकात करते हैं और सारी चीजों के साथ, नई नई चीजों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए मेरे भाई, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, हस्ता ला विस्ता।